यानी सर अब अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकाल क्या निकाल इस मतलब ई को बिकॉज़ रेजिस्टर तब पर मैंने तब उधर से करंट निकाल रहा है कितना 4 क्या निकल रहा है 4 मैं बोल रहा हूं कि 5 सेकंड में इस रेजिस्टर में बोलो कितना एनर्जी कंज्यूम होगा कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा यूटिलाइज करेगा 10 सेकंड में कितना बैठेगा वो डिपेंड करता है बेटा इस रेजिस्टर में करंट कांस्टेंट किया जाए अगर बेटा इस रेजिस्टर में करंट कांस्टेंट होगा तो हम सिंपल पावर पाएंगे अगर सिंपल E इज इक्वल टू P तो P P के बजाय क्या लिखोगे आप V I V I T लेकिन सर अगर करंट कांस्टेंट नहीं होगा अगर करंट कांस्टेंट नहीं होगा तो आप क्या की करते हैं अगर करंट वैरी होगा देखो कितना खुद देखो देखो सर इधर रेजिस्टर R इज इक्वल टू इसमें करंट आई जा रहा है 2 एम्पीयर मैं बोल रहा हूं बेटा मुझे E निकाल दे क्या निकाल दे दो E निकाल दे कितने टाइम में बेटा T में चलो सपोज 5 वाह ये आप अब मैं बेटा ये रेजिस्टर दे रहा हूं लेकिन मेरा जो से करंट में ना आए दैट इज नॉट कांस्टेंट वो करंट में होगा सपोज 2 वाट अभी मैं बोल रहा हूं मुझे बेटा एनर्जी कंज्यूम हो कितने टाइम में लेकिन
अगर इसी तरह से मेरा रेजिस्टर दिया है, लेकिन अब अगर करंट क्या है, करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट क्या है आर स्क्वायर। अगर आप वहां पे भी ये वाला कांसेप्ट यूज करोगे ना, कर्व वहां पे भी होगी, वहां पे क्या करना है, वहां पे इंटीग्रेशन है t1 to t2 और पावर t इज इक्वल इंटीग्रेशन t1 to t2 b d। अगर इस केस में दिस इज द नो b is constant, बेटा अगर पावर क्या है constant, बताइए क्या पावर करो e इक्वल, बेटा p बाहर आ गया, ये आगे इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बराबर हो, इंटीग्रेशन ऑफ dt किसके बराबर हो, t के बराबर t1 to t2, तो बेटा e इज इक्वल t, और हमें क्या है t2 minus t2 बराबर है और इसके बराबर पावर है। आप इसको समझ क्या हो, पावर इनटू दैट इज इक्वल टू 1, जैसे क्या है पावर इनटू रूट 1